सामने को वी डिस्कसिंग अबाउट द सर्जिकल इन्फेक्शन उसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एपसेस तो इसका यू क्यू देख लें सबसे पहले कि थर्टी ईयर ओल्ड फीमेल है और उसकी जो है लेक्टेटिंग मदर हु इज़ अग जो वो लैक्टेटिंग मदर है और सर्जिकल एमरजेंसी रूम में आई है और उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है फीवर की और पेन इन द लेफ्ट ब्रेस्ट तो हमने एग्जामिन किया कि उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट में क्यों पेन हो रही है तो देखा गया कि बुक जो है बहुत ज़्यादा सॉलन थी रेड हॉट थी और टेंडर थी उन्होंने बता दिया कि ये क्या है ब्रेस्ट एप्सिस है तो वट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एप्स आप बताएंगे और फिर आप बताएंगे कि आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका सो एप्सिस क्या होती है इट इज़ अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस एक जगह पे क्या हो जाता है पस इकट्ठी हो जाती है और उस पस के अंदर क्या होता है ये आप यूट्यूब भी अभी आपने देखा है उन्होंने पूछा हुआ है कि एप्सेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं हमें तो वो पस नज़र आ रही होती है लेकिन उस पस के अंदर क्या होता है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो डेड टिशू होता है और उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसके गिर्द क्या होती है मेम्ब्रेन होती है जो कि कहीं भी बन सकती है मतलब ये कि एक मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो जो लड़ाई किया हुआ है न्यूट्रोफिल्स और ऑर्गेनिज़म जो लड़ रहे थे उनकी लड़ाई के रिज़ल्ट में क्या हुआ कि वहाँ पे वो जो टिशू था वो डेड हो गया तो वो पड़ा हुआ है तो न्यूट्रोफिल्स डेड टिशू ऑर्गेनिजम्स उनके गिर्द क्या है मेम्ब्रेन है वो ये सब कुछ सारा कुछ जो है हमें बाहर से पस नजर आ रहा होता है तो ये इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है दैट इज़ टेफ्लोकोकस ऑरियस अब जो एबडोमन या पेल्विस के अंदर एप्सिस बनती है उसमें गट के बैक्टीरिया आ जाएंगे लाइक ई कोलाई इंटेरोकोकस एनोरोब्स जो एक्यूट बैक्टीरिया एप्सिस होती हैं उनको हम पायोजेनिक एप्सिस कहते हैं वो एप्सिस Uh, जो कि स्किन के पास होती हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं रेस्ड हॉट एंड टेंडर होती हैं लेकिन अगर बहुत बड़ी एप्सिस होगी तो वो सिस्टामिक अपसेट भी कॉज करेगी पेशेंट को फ़ीवर होगा लाइक like, अभी हमने देखा ब्रेस्ट एप्सिस के साथ पेशेंट आ रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा पेन था पेन थी और फीवर के साथ आ रही थी मतलब वो एप्सेस इतनी बड़ी थी ब्रेस्ट की डीपर एपसेसिस में क्या होगा फीवर होगा सी बी सी में डब्ल्यू बी सी राइज होंगे सिस्टेमिक अपसेस हो सिम्टम सिस्टेमिक अपसेट होगा और इसके अलावा क्योंकि वो बहुत बड़ी होगी तो वो प्रेशर अफेक्ट्स करेगी सराउंडिंग टिश्यूज़ के ऊपर अब स्किन एपसेसिस को तो हम डायरेक्टली डायग्नोज uh, कर सकते हैं देखते सारी ठीक है लेकिन uh, जो डीपर एप्सिस जो हैं उनके लिए फिर हमें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करना होता है जैसे आपको पता लीवर एप्सेस हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसको देखने के लिए हम सीटी अल्ट्रासाउंड करते थे क्योंकि वो स्किन पे नहीं हमें नजर आए स्किन तो स्किन पे जो एप्सेस होगी वो तो हमें डायरेक्टली नज़र आते कि हाँ ये एपसेस है ठीक है लेकिन अंदर जो ऑर्गैनस के अंदर होगी डीपर टिश्यूज़ में होगी उसके लिए ऑब्वियसली हमें कोई इमेजिंग टेक्निक्स करनी पड़ेंगी तो इसमें हमने एपसेस के टॉपिक में देखा कि एप्सेस सबसे पहले होती क्या है उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं कौन से ऑर्गेनिज़म जो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अलावा जो है ये जो हमारे पास स्किन एप्सिस कैसी होती हैं डीपर एपसिस जो है वो कैसी होती हैं ठीक है ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अब ट्रीटमेंट जो है वो दो तरह का होता है या तो हम इन देंगे अंदर एक समझ लें ऐप्स बनी हुई है उसके अंदर हमने क्या किया इन दिया ठीक है इन सी एन दिया एक साइड से जैसे ये मैंने इसको काटा इन सी एन दे के हमने उसके अंदर से जो भी गंद होगा एप्सिस का उसको बाहर निकाल लिया ठीक है सो so, ये जो होता है इन सी एन और ड्रेनेज ये हमारा गोल्ड प्रिंसिपल होता है फॉर ऑल एप्सिस लेकिन ऑब्वियसली वो एप्सिज जो कि आपको डीप ऑर्गैनस में नज़र आ रही हैं लेकिन लिवर के अंदर फंसी हुई है तो उसको तो आप जो है वो इन सी एन ड्रेनेज नहीं कर सकते रहा उसके लिए ऑब्वियसली आपको सबसे पहले अंदर जाना पड़ेगा तो अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई विजुलाइजिंग चीज़ होनी चाहिए जिससे आप उसको देख सको तो दैट इज़ द अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइडेंस अल्ट्रासाउंड सीटी से आपको वो एप्सेज सही तरह नज़र आ जाएगी कि हाँ ये जगह है इसकी तो फिर आप उसके uh, अंडर जो एस्पाइरेशन करते हो एस्पाइरेशन सिंपली मीन्स कि आप इंजेक्शन घुसाते हो अंदर और उस इंजेक्शन के अंदर जो है उस सारा मटीरियल आ जाता है जो भी एप्स का होता है तो या तो आप इन सी एन ओ ड्रेनेज कर सकते हो या आप एस्पायशन कर सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है इन सी एन ओ ड्रेनेज लेकिन अगर आपको एप्सेस कोई लोकलाइज नहीं होती मतलब कि आपको नहीं समझ आती कहाँ पे एप्स है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से हम उसको इंसिन ड्रेनेज नहीं कर सकते हैं एस्परेशन नहीं कर सकते तो उस केस में फिर आप एंटीबायोटिक्स देते हो ठीक है उसके बाद ऑब्वियसली वो जो एक्सपारेशन आप करोगे उस मटेरियल का तो उसमें आप ऑबियसली ने देखा कि पस के अंदर क्या होगा न्यूट्रोफिल्स होंगे ऑर्गेनिज़म्स होंगे और हमारे डेड टिश्यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली जब आप उसके अंदर से वो निकालोगे पास का मेटीरियल तो उसको आप क्या करोगे कल्चर के लिए भेज दोगे सेंसिटिविटी कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भेज दोगे तो उसमें आपको वो ऑर्गेनिज़म्स पता चल जाएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स थे यहाँ पर जिनके अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स ला रहे थे और डेड टिश्यू था तो ऑर्गेनिज़म्स आपको कल्चर में पता चल जाएगा फिर आप क्या करते हो उस ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करवा देते हो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्सिस नेक्स्ट आपको कुछ एप्सिस की जो वो है वो टाइप्स उन्होंने बताई हुई है. लाइक कोल्ड एप्सिस आपने पढ़ा होगा कहाँ पे हमने पढ़ा था टीबी के चैप्टर में टीबी आपने डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि कोल्ड एप्सिस टीबी के ही में मोस्टली जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं लाइक टी है लेप्रोसी है एक्टिनोमाइकोसिस है मेजूराफुट है उस केस में ना जो एपसिस बनती है उसको कोल्ड एप्सिस कहते हैं वैसे तो एप्सीस जो है पता है इन्फ्लेमेशन की वजह से हॉट होती हैं टेंडर होती हैं और पेशेंट को फ़ीवर हुआ होता है इस तरह की होती हैं मतलब बहुत गर्म एप्सीस होती हैं लेकिन इन क्रॉनिक डिज़ीज़ में क्योंकि बहुत अरसे से इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो क्या होता है वो इन्फ्लेमेशन के जो एक्यूट साइंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो अब जो एप्सिस होगी वो ठंडी हो जाएगी ये समझ लें इसको क्यों कहते हैं कोल्ड एप्सिस क्योंकि साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन की एब्सेंस के अंदर ये एप्सेस बनी होती है ट्रीटमेंट इनका क्या होगा ऑब्वियसली जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसको ट्रीट करें तो ये एप्स होद बहुत ठीक होगी नेक्स्ट ब्रोडीज एप्सिस होती है ये हमारी ऑस्टियोमाइलाइटिस की जो सब एक्यूट फॉर्म होती है उसको ब्रोडीज एप्स कहते हैं फिर सोस है इसके नाम से पता चल रहा है जो सोस एप्सिस होगी वो इलियोसोस मसल के अंदर जो है जो एप्सेस इकट्ठी हो जाएगी उसको कहेंगे अब ये किस तरह से बनती है या आ, सोस मसल के अंदर कैसे आके एब्सेस बन जाती है या तो हिमाटोजनस स्प्रेड से आती है या फिर इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स में से आ जाती है अब जो सोस मसल होता है वो एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जो है रेट्रोपेरिटोनियल एक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ से राइज करता है ट्वेल्थ थ्रेसिक टू फिफ्थ लंबर वर्टीब्रा के लैटरल बॉर्डर से और जाके लेसर टिकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्ट होता है ठीक है इर्द गिर्द के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं सिग्मोइड कॉलोन होता है जजनम होता है पेंडिक्स होता है यूरेटर्स होते हैं एरोटारिनल पैलवेज पेंक्रियाज लिम्फ नोड्स स्पाइन अब ये इलियोसोस एप्स जो होती है ये प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती है प्राइमरी जो है वो हिमाटिजनस या निम्फेटिक स्ट्रेस ब्रेड से बन, बनती है और सेकेंडरी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द नियर बाई स्ट्रक्चर से बनती है ठीक है लाइक like, प्राइमरी uh, में ये है ना कि या तो ब्लड के थ्रू इनपैटिक स्प्रेड से जो है ना ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गया और स्नैपिस बना दी लेकिन सेकेंडरी क्या होती है जो कि वहाँ पे डायरेक्ट स्प्रेड होता है फॉर एग्जांपल वहाँ पे पेशेंट को कॉर्हनस डिजीज थे अल्सरेटिव कोलाइटिस था पेंडिसाइटस था टी बी थैलम्बर स्पाइन का तो वहाँ से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ से ट्रेवल करके तो यहाँ पर आके एप्सिस बना देंगे हमें कैसे पता चलेगा कि, कि किसी को सोर्स एप्सिस है तीन तरह की चीज़ें होंगी उससे हमें पता चलेगा एक बैक पेन के साथ पेशेंट आएगा दूसरा उसको बुखार होगा तीसरा उसको लिंपिंग कॉडी होगी मतलब उसे चला नहीं सही जा रहा होगा तीन चीज़ों से हम डायग्नोस करते हैं सोचते हैं कि दिस इज़ अ क्लासिकल ट्रायड ऑफ सो सोस एब्सेस और हम उसको फिर देखेंगे हम पेशेंट को जो है वो एक तो इस तरह से कर लेते हैं कि इसको सोस एक्सेस है ठीक है इसके अलावा ना हम उसकी जो है, आ, जो है आ, ऐसी पोजीशंस बना के देखते हैं जिससे ना सोस एप्सिस सोस एप्सिस के ऊपर ना थोड़ी सी वो प्रेशर डले और फिर वो पेशेंट जब भी उस पोजीशन में आएगा ना तो पेशेंट को पेन होगी तो इसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाकई में सोस एपसिस है ठीक है कभी कभार ऐसे होता है कि इस तरह के क्लासिकल टायर नहीं आते सोस एप्सिस के ऐसे होता है कि इन लिगामेंट के नीचे ना एक पेनलेस ही स्वेलिंग फ़ील होती है हमें और हमें लग रहा होता है कि यार ये तो लगता है कोई फैमरल हर्निया है या यहाँ पे इन लिम्फ नोड्स लार्ज हुए हुए हैं तो उससे भी हम इसको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं लेकिन जैसे कि हमने देखा कि जब पेशेंट ये क्लासिकल ट्राइड के साथ आ रहा होता है उसकी ऐसी पोजीशन बना के देखते हैं तो सो एप्सिस वाली जगह पे पेशेंट को पेन हो रही होती है तो साथ ही हम क्या करते हैं कि उसका जो है अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करके देख लेते हैं ब्लड कल्चर ले, ले लेते हैं उसमें पता चल जाता है हाँ वाकई ये सोड है तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम एंटीबायोटिक्स देंगे और जो एपसेस होगी उसको ड्रेन कर लेंगे पर क्यूटेनियस uh, जो है ड्रेनेज दैट इज लेस एन और फिर मेथड ऑफ चॉइस जो इस केस में होगा वो ऑब्वियसली परस ड्रेनेज होगा सोचने वाली बात है इतनी डीप एप्सिस बनी हुई है तो आप इतनी बड़ी सर्जरी तो नहीं करेंगे आप स्किन के थ्रू एक नीडल डालेंगे और उसके थ्रू आप जो है वो सारी एप्सिस को जो है स्पायरेट कर लेंगे ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें आपका नेक्रोटिक नेक्रोटाइजिंग जो फेसियाइटस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम देखते हैं बल्कि फोकस करेंगे नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो है इसको कहते हैं नॉन कोलस्ट्रीडियल गैस गेंग्रीन इसके नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटस को हमने ना डर्माटोलॉजी मेडिसिन में पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो उसमें अब मतलब ये हम टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं किसी का नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में क्या होता है कि स्किन और फेशिया जो होते हैं उनकी जो है क्या हो जाती है नेक्रोसिस हो जाती है इस वजह से कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस वैसे तो इसके नाम के अंदर फेशियाइटिस है मतलब फेशिया की नेक्रोसिस है लेकिन स्किन ऑब्वियसली फेशिया तब इन्वॉल्व होगा जब ऊपर से सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी फिर इस फेशिया आएगा ना स्किन होगी तो फेशिया खराब होगा ना तो स्किन के साथ साथ फेशिया की लेकिन मसल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो अगर अगर समझ लें कि स्किन भी खराब होगी सब क्यूटेनियस टिशू भी ख़राब हो गया डीप फेशिया भी सारा जो है वो इसे क्रॉसेज में चला गया तो आपको लगता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए इसकी टू मेन टाइप्स होती हैं टाइप वन और टाइप टू टाइप वन में क्या होता है पोली माइक्रोबियल होते हैं मतलब कॉलीफॉर्म्स भी हो गए स्टाइफलोकोकस हो गया बैक्टीरियोइड्स हो गए जिनको सैनर्जिस्टिक बैक्टीरियल गैंग्रीन कहते हैं फॉर्नीयर्स गैंग्रीन या आपके एम सी क्यू उसमें बनता होता है वॉट इज़ फॉरनीर्यर्स गैंग्रीन तो आपने कहना है कि पोली माइक्रोबियल जो होता है जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज़म्स जो हैं बैक्टीरिया होते हैं उसमें उस, उस गैंग्रीन में उसको कहते हैं फॉरनियर्स गैंग्रीन ठीक है और ये फॉरनियर्स गैंग्रीन पेरिनियल एरिया को अफेक्ट करता है ये आपका एम सी क्यू बनता है पेरिनियल एरिया को और एम सी क्यू भी क्या आपका एक छोटा सा शॉर्ट एम एन सी क्यू आ सकता है वॉट इज़ फॉरनियर्स गैंग्रीन तो आपने लिखना है कि पेरिनियल एरिया पर पे जो गैंग्रीन होती है विच इज़ इन्वॉल्विंग विच इज़ हैविंग सेनर्जिट सनर्जिस्टिक बैक्टीरियल गेंग बीरियल गेंग, गेंग, गेंगरी बैक्टीरियल ग्रुप्स ठीक है जिसमें पॉलीमाइक्रोबियल माइक्रोबियल होते हैं इसमें गोलीफॉर्म्स भी होते हैं सर्वोको बैक्टीर भी होते हैं वो गैंग्रीन जो कि एक्चुअली मेलिन एबडामिनल वॉल को फेंक करता है उसको कहते हैं मेलनीज गैंग्रीन तो ये आपने याद रखने हैं दोनों फॉर्नियर्स गैंग्रीन और मेलनीज गैंग्रीन और होता क्या है इट इज़ टाइप वन नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस टाइप टू में क्या होता है टाइप वन में क्या था बहुत से ऑर्गेनिजम्स थे जो कि या तो पेडीनियल एरिया में थे या एबडामिनल एरिया में थे पेडीनियल एरिया में जो थे उसको कॉर्नर्स तक कहते थे और जो एबडामिनल एरिया में थे तो उसको मेलना कहते थे मेलनीस कहते थे ठीक है टाइप टू में क्या होगा सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा लाइक बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए होगा सप्टोकोकसटोकोकस वो बताते हैं कि होता क्या है किस तरह से जो है ना ये हमारा बेचारा फेशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है छोटा सा ट्रामा होता है फिर वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो आके एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं एक्जोटॉक्सिन क्या करते हैं हमारे फैट फेशिया की नेक्रोसिस करना शुरू कर देते हैं फिर क्या होता है जी वो हमारी जब स्किन और फेशिया इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के साथ आता है और वहाँ पे क्रैपेटस हमें फील होता है क्रैपेटस एक बुलबुला से बन जाता है और वो फटता है ऐसे करके स्मेल आना शुरू हो जाती है उसे पता चलता है यहाँ पे बहुत गंदा चल रहा है कुछ ठीक है उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली देखें स्किन भी इन्वॉल्व हो गई है अंदर जाए डीप डर्मिस सारी इन्वॉल्व हो गए फेस इन्वॉल्व हो गया है तो अब ऑब्वियसली उसको ब्लड वेजेंट मिलेगी वो सारे ऑर्गेनिजम जो है उससे स्टेपसिस कॉस करेंगे और पूरी बॉडी में फैल जाएगा सारा कुछ तो मल्टी ऑर्गेन फेलियर हो जाएगा ठीक है ये सीन चल रहा होता है इधर तो इसका जो है ट्रीटमेंट uh, क्या होगा अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ ऑल द नेक्रोटिक टिश्यू फिर हम क्या करेंगे डिब्राइडमेंट करने के बाद उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे कार्बापिनम्स और मेट्रोनाइडोल अलॉन्ग विद द अग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट ठीक है तो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट नेक्रोटाइजिंग फेशियाईटिस सो so, एप्स uh, की कॉम्पोजिशन क्या होती है इसमें नेक्रोटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया होते हैं और डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं डेड एंड डाइंग जो है सारा कुछ हो रहा होता है वाइट ब्लड सेल्स और उसमें साइटोकाइंस जो रिलीज खड़े होते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स उसके बाद डिफरेंट वेज़ टू तो ट्रीट एन एप्स क्या होते हैं इन एंड ड्रेनेज हो सकती है दूसरी अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है यहाँ पर सीटी गाइडेड जो है वो एस्पायरेशन uh, हो सकती है और एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं फिर हमारे पास है फोर्टी ईयर्स ओल्ड जो है फीमेल है उसने अबडामिनो प्लास्टिक करवाई है और uh, उस, uh, एक हफ्ते पहले उसको फीवर और रेस्टलेसनेस हो गई है और uh, टॉक्सिक है एबडामिनल वोन जो है उसमें डिसकलर्ड मार्जिन हैं जो कि ब्लैक हो रही हैं उसमें से पस निकल के बाहर आ रही है सो वॉट इज योर डायग्नोजिस एज नेक्रोटाइजिंग फेश इज रेपिडली प्रोग्रेसिव सेलुलाइटिस ये डायबिटिक फीमेल है मतलब इम्यूनो यीनोकॉम्प्रोमाइजड है उसका एक प्रोसीजर हुआ है अब के अंदर उसके बाद वो फीवर रेस्टलेस में गई है टॉक्सिक हो गई है और हमें डिसकलर्ड मार्जिन ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है मतलब यहाँ पर ब्लैक मीन्स कोई नेक्रोसिस हुई हुई है और वहाँ से पास है मीन्स के यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ने हमला किया हुआ है ठीक है तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस वट काइड ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा इज इन्वॉल्व इन द काजेशन ऑफ दिस कंडीशन तो आ, कौन से होते हैं सबसे पहले स्टेप स्टेप्टोकोकल हैं ग्रुप ए ग्रुप बी और मतलब आपने बताना है पोली माइक्रोबियल हो सकते हैं या ठीक जिस है जिसमें स्टेप्टोकोकल स्पीशीज है ग्रुप ए ग्रुप बी स्टेफ्लोकोकस है ईकोलाई है प्रोटियस है क्लस्टिडिया है बैक्टीरियइडस हैं सूडोमोनाज है, है। प्रॉपर स्टेप्स जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए वो आपने बता देने हैं। तो इसमें क्या है सबसे पहले हमारी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें अर्जेंट फ्लूड रिसिसिटेशन है मॉनिटरिंग ऑफ द हिमोडाइनमिक स्टेटस है सर्जिकल डिब्राइटमेंट हम करेंगे फिर हम हाई डोज ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे फिर हम वैक्यूम असिस्टिंग ड्रेसिंग करेंगे फिर हम स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे इन द सेलेक्टेड केसेस ठीक है क्योंकि फेशिया जो है वो सारा ख़राब हो गया है तो हम ग्राफ्टिंग कर देंगे उसके बाद फिफ्टी इयर्स ओल्ड जो है डायबिटिक है और एक्यूट स्प्रेडिंग सेलोलाइटिस है राइट थाई का आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ पेरीनल एप्सिस अब वो जो है उसको राइगर्स और फीवर है स्किन जो है वो रेडिश है स्वॉलन है ब्लिस्टर्ड है तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा इट विल बी नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ए क्यूज स्प्रेडिंग सेलोलाइटिस जब भी ये होगा और साथ में जो है वो उसको फीवर रहे, रहे सारा कुछ तो दिस इज़ एक्चुअली द नेक्रोटाइजिंग ब्लस्टर्ड मीनस कोई क्रापिटस्ट भी है सो नेम द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन तो इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होंगे मल्टीपल जो हम डिस्कस कर चुके हैं और ट्रीटमेंट प्लान भी हम डिस्कस कर, कर चुके हैं अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ गैस कैन ग्रीन बुक से देखते हैं अब नेक्रोटाइजिंग फेश जो था उसमें हमारी जो है नॉन कस्ट कलेस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन था और गैस गैंग्रीन खुद क्या है जो कि कलेस्ट्रीडिया की, कले की वजह से होता है इस वजह से हम कलेस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन कहते हैं या माओनेक्रोसिस कहते हैं ये स्वीयर फॉर्म ऑफ गैंग्रीन होता है जिसमें गैंग्रीन का मतलब यही होता है ना टिशू डेथ आपको पता है नेक्रोसिस और गैंग्रीन में क्या डिफरेंस है नेक्रोसिस जो होता है ना वो आपका माइक्रोस्कोपिक टिशू डेथ हो रही होती है और गैंग्रीन आपको विजिबल माइक्रोस्कोपिक टिशू डेथ नजर आती है ये डिफरेंस होता है अब यहाँ जो गैस है ये किस वजह से है? कॉलेस्ट्रेडियम परफ्रेंजिस की वजह से है जो आपको पता है ये ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्पोर फॉर्मिंग होता है सॉइल और फीसिस में पैदा पड़ा होता है ये और अब कैसे हमारे अंदर आ जाता है ये ऐसे तो सॉइल और फीसिस में पड़ा हुआ है लेकिन जैसे ही कोई ट्रोमा होगा बॉडी में या मिलट्री बून्स होंगे मेजाइल बूंस होंगे तो ये आके जो है ना जब हमारी वन के ऊपर आएगा वहाँ पे मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वहाँ से कले स्टीडिया अंदर जाएंगे और फिर जाके नेक्रोटाइजिंग नेक्रोसिस करना शुरू कर देंगे हमारे बाय प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन द ऑल द जो इंजाइम्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा हमारे मसल्स जो हैं उनकी भी जो है ना आ, हरामी होने शुरू हो जाएगी तो रैपिडली एंड प्रोफाउंडली सेप्टिक होगा एज एक्स एक्सोटॉसिन जो है वो मसल नेक्रोसिस करना शुरू कर देते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशिया में स्किन और फेशिया इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ पे मसल जो है प्रिजर्व थे गैस गैंग्रीन में क्या है मसल्स की भी नेक्रोसिस होना शुरू की है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा फिर वो स्किन डिसकलरेशन होना शुरू हो जाएगी एडेमोक्रापिटस बन जाएगा ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम अर्जेंटली जो है सारा वो जो गंदा टिशू होगा नेक्रोटिक टिशू होगा उसको क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे हाई डोज एंटीबायोटिक्स देंगे जिसमें पेनिसिलिन है बेंजाइल पेनिसिलिन और मेट्रोनाइडाजोल है अगर बहुत ज़्यादा मसला हो गया तो फिर अमेम्ब्यूटेशन भी हमें करनी पड़ सकती है फिर वो यूक्यू में डिस्कस कर लेते हैं इसका साथ ही कि फॉर्मर वॉज वर्किंग इन द फील्ड वैन ही हैड अ ऑन द राइट लेग ठीक है ही डिड नॉट केयर एंड वेन द कंडीशन वर्स एंड ही वॉज ब्रॉड टू एमरजेंसी एंड डायग्नोजिस गैस कैंग्रीन उन्होंने खुद ही बता दिया आपने उनको बताया कि वट इज़ गैस कैग्रीन तो यू विल से इट इज़ अ रेपिडली स्प्रेडिंग एडी मेटिस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपर एडेड पुट्री फैक्शन एंड गैस कैंग्रीन इज कॉज बाय कलेस्ट्रीडियम पर ठीक है और अर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द गैस कैंग्रीन तो आपने बताना है कि पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डायबेटिक और हैव द मेलिग्नेट डिजीज आर द ग्रेटर रिस्क पर्टिकुलरली इफ देव बोन्स कंटेनिंग नेक्रोटिक और फॉरन मटीरियल रिजल्टिंग इन एनरोबिक कंडीशन ठीक है फिर क्या होगा मतलब जब भी ना रॉबिक कंडीशन आएंगी इनके ऊपर तो गैस कैंक्रीन वोड इन्फेक्शन स्वीयर लोकल बोन पेन सबसे पहले लोकल बोन पेन होगी क्रैपिटस होगा जिस एस एक्चुअली द गैस इन द टिश्यूज विच ऑल्सो विजिबल ऑन द प्लेन रेडियोग्राफ्स बोन प्रोड्यूस अ थिन ब्राउन स्वीट स्मेलिंग एक्सुडेट इन विच द ग्राम स्टेनिंग विल रिवील द बैक्टीरिया फिर इसके अलावा एडिमा एंड स्प्रेडिंग गैंग्रीन फॉलो द रिलीज ऑफ कॉलेजिज हेरोज अदर प्रोटीजेस एंड एल्फाटोक्सिल्स ठीक है तो मैं आप तो अगर थोड़े से बताऊँ क्लिनिकल फीचर्स तो आपने सबसे पहले बताना है कि वो जो पेशेंट होगा वो डायबिटिक या मोनोकॉम्प्रोमाइज्ड होगा मलिग्न डिजीज़ होगा फिर क्या होगा उसको कहीं भी चोट लगेगी ट्रामा होगा तो वूंट हो जाएगा वहाँ पर नेक्रोटिक या फॉरन मेटीरियल होगा उसके से एनारोबिक कंडीशन पैदा होंगी कल स्टेडियम ऑर्गेनिजम वहाँ आएगा और फिर वहाँ पर जब वो सारा मसल्स की क्रॉसेस करेगा वो सब कुछ तो क्या क्या होगा पेशेंट को लोकल बोन पेन होगी क्रैपेटस होगी और इसके अलावा जो है वहाँ से जो है एक एक्सीडेंट निकलागा जो कि थिन ब्राउन कलर का होगा स्वीट स्वेलिंग होगा और इसके अलावा जो है वहाँ पे एडेमा होगा और स्प्रेडिंग गैंग्रीन होगी ठीक है उसके बाद ये वाला जो है इसमें भी डायग्नोसिस वही होगा कि एल्बी एम्पिटेशन हुई है उसकी फॉर द क्रश इंजरी थ्री डेज़ लेटर वो टॉक्सिक हो गया थिन ब्राउन स्वेलिंग डिस्चार्ज होना शुरू हो गया क्रैपिटस भी है तो ये सारा कुछ जो है ये हमारा क्या होगा जो है गैस केंग्रिन होगा ठीक है उसके बाद जो है वो आ, देखें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है ना बहुत ज़्यादा रेपिडली स्प्रेड कर रहा है थिन ब्राउन कलर का है और क्रैपिटस भी है तो हाउ विल यू ट्रीट द केस तो वो हमने मैनेज करके बता दिया मैनेज कैसे करेंगे गैस कैंग्रीन को बताती हूँ कि इसमें इंजेक्शन देते हैं इंजाइल पेंसिलीन का और मैट्रोनाइडाजोल का और मानोग्लाइकोसाइड्स का या थर्ड जनरेशन सेफ्लोसपोरेंस का फिर हम क्या करते हैं उसको फ़्रेश ब्लड ट्रांसफरेंट्स देते हैं पोलीवेलेंट एंटी सीरम देते हैं ठीक है और हाइपर ऑक्सीजन देते हैं मतलब इसमें सिंपली वो जो सर्जिकल सर्जिक्रिकसियन देंगे सारे नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव करेंगे एंटीबायोटिक्स देंगे और एम्पिटिशन करेंगे ये सो डिजीज़ है ठीक है अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें स्किन इन्फेक्शन करते हैं